हमने तो यही सोचा था कि तुम अपने पति के गम में कहीं अपने दम को तोड़ दिए होंगे और फिर तुम्हारे दिल के अंदर हमारे प्रति वही हमदर्दी है और फिर तुम हमारे लिए अपने फूल मारते चले आ रहे हो। महाराज ऐसा नहीं कर रहा, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। याद होगा जब जेल से आपने इंसाफ किया था तो जेल में गिर लाया था और यही कहा था कि एक बार मेरी बेटी से मिला देना, वो मेरी बेटी पहली रानी की निशानी है। जबकि वो हवेली छोड़कर गई है, मैं अपनी बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहता हूं। मेरे दिल के अंदर तो वो आग पैदा हुई थी कि मैं इस हवेली को शमशान को ना दूंगा, कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। और जब क्रोध में आकर हवेली पहुंचा तो वहां क्या देखा कि ये दोनों आपको मार देना चाहता क्योंकि इन दोनों को दौलत की हविश है। ये यहां का चरखा बनना चाहता है और ये आपकी महारानी नहीं, ये गजराज की रथेल बन चुकी है। ये रथेल गजराज की इशारे पर काम करती है, दुनिया की आंखों में फूल झोंकती थी, महाराज ये आपकी आंखों पर पर्दा डाल चुकी है। ये तो वो वैश्या बन चुकी है जिसका कोई निशान नहीं है। ये सब हुजूर आपको साथ ले जाना पड़ा, इन दोनों को जिंदा छोड़कर आपको लेकर चला गया और बिहार छोड़कर उन दोनों की तलाश करने लगा और वो दोनों भगवान को साक्षी मानकर बियाबान जंगल में शादी रचाना चाहा और वो शादी रोक दी है। आज भी वो दोनों पत्नी नहीं बन सके, आज भी दोनों शादी के लिए भटक रहे हैं और अब तो वो दोनों मेरे ही रास्ते में है। क्या कहा, अब वो दोनों तुम्हारे ही रह सकते हैं। हाँ। लेकिन कहा है एक बार उन दोनों से मैं मिलना चाहता हूँ, एक बार उन दोनों से मुझे मिला दो। महाराज मिलाना नहीं होता, उसी बियाबान जंगल में उन दोनों को नाव के घाट उतार देता। जगन्नाथ जाओ और दोनों को महाराज के शब्द एक करो, जाओ। महाराज ये रही आपकी बेटी पाई और ये रहा गुलहिनार बाप बेटी का रिश्ता दूसरी दिन तोड़ दिया। जिस दिन तूने मेरी हुक्म की ना फरमानी की उस दिन बाप बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। होता मेरा फिर होता तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता, तुम मेरा बाप नहीं। मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ से एक बार
पानी मिला मेरे कई बढ़िया नहीं मेरे हाथों से खून हो जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा कि बाप अपने बेटे पर गोली चला दिया। उस वक्त माता ख्याल यही आया जब तू पायल को लेकर भरा था, तुझे समझाया था कि बेटे कभी मर चला नहीं, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी। उस वक्त माता ख्याल नहीं आया, आज भी वो दिन हमें याद है। इसे आप स्वीकार करी हो ये आपके शस्त्र है, इसे आप स्वीकार करेंगे। महाराज मैं तो अपना फर्ज पूरा कर दिया जो मेरा फर्ज था। धन्य मेरे भगत, धन्य मेरे देश के सच्चे सपूत और धन्य बेटा वो क्षत्रानी माँ का जिसने बेटा तुम्हें जन्म दिया है। आज मेरी सर का ताज मुझे वापस दिला दिया। मैं अपने बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहा, तुमने हमारी बेटी को मुझसे मिला दिया, तुमने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया है, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। वो क्या? ये दोनों बच्चों ने प्रेम का धागा बहुत मजबूत रखा है और आज उसी प्रेम के धागे में दोनों बच्चों को मैं बांधना चाहता हूँ। महाराज रिश्ता होता है प्राणी का छोटे और बड़े का नहीं, और इसी रिश्ते के लिए कसम उठाया था, और वही कसम मेरी पत्नी दुनिया से उठ कर चली गई। मैं इस रिश्ते को कबूल करूंगा, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। हमारी नजरों में तुम सब कुछ मारा, रिश्ता तुम्हें कबूल करना होगा, हाथों से खून हो जाएगा, तुम रिश्ता नहीं करोगे। मैं तेरे बेटे की खुशी को नहीं देख सकता, मेरी बहू नहीं। भगवान आज हमारा बहादुर हमारी बेटी को मुझसे मिला करके वो मेरा साथ छोड़कर चला गया। हरामजादे अब तुम दोनों की आत्मा को शांति मिली होगी। बेटे रमन हमारे बहादुर की लाश को उठाओ और ले चलो, हम इनका अंतिम संस्कार अपने अगले चमन में करवाएंगे। महाराज हमारे देहातों की हथकड़ी खुलवा दो, हम भी हाथ लगा ले रहे हैं। हम चाहते तुम दोनों अपने नापाक हाथ हमारे बहादुर के जिस्म में नहीं लगाओगे। Yeah.
बेटा रमन जरा इन लोगों के हाथ के हथकड़ी खोल दो। सबसे पहले इस सरंगा के हाथ के हथकड़ी खोलो। आज मुझे पहचान नहीं है क्या है? याद कर मोदी, तूने क्या कहा था? इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे माँ बाप की गलती है। समझे, उस वक्त में जवानी में थी, अच्छा उसे जवानी के जोश में भूल बैठी थी। मुझे माफ कर। सबसे पहले ये सब सुंदर उतार कर रख। आपके ही नाम की है। मैं कह रहा हूँ जितना उतना कर उतारे में बेटी जा रहा हूँ। बेटी ये हरामजदी इतनी नालायक कि अपने औकात को भूल बैठी। ये मुझे धोखा दे करके वो दाढ़ी वाले के साथ मंत्री के साथ ये रंग लगिया बना रही है। हरे बेटे क्या महाराज अरे हमारी आई गलती हुई नहीं क्या कार हुई? हाँ अरे बेटिया मैं तारे गलती माफ करो अपनी गलती हुई है नहीं क्या कह रहा हूँ। जाने कितने कितने के साथ गंदी हरकत की और कितने कितने बार बात करते रहोगे? इम्तियाज सलाम करूँ मैं ताली ने इस तरह कहा हो इस तरह कहा तो तुझे आना चाहिए। घर आ गई कुछ तो फिर भी एक दो के साथ रहती दो साइकिल हम तो गलती हुई नहीं गए की लातों की भूल बातों से नहीं मारी। दोस्तों नमस्कार, मुमताज अली भटनोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों ये हमारा सेकंड चैनल है जो मुमताज अली भटनोसा चैनल के नाम से प्रचलित है, चल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि हम इसी तरह प्रतिदिन जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो आइए दोस्तों, जैसे आपको हमारा चैनल वीडियो देखना हो तो आपको हम बता रहे हैं कि आप YouTube के माइक पे जा कर के सबसे पहले आप बोलिए मुमताज अली भटनोसा चैनल। जब आप मुमताज अली भटनोसा चैनल बोलेंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा और हमारी सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको देखने को मिले। तो आइए दोस्तों, अभी तक तो हम ये प्रोग्राम की बात चैनल की बात कर रहे थे, अब हम प्रोग्राम की जानकारी की बात करेंगे। जैसा कि हमेशा प्रोग्राम की जानकारी देता रहता हूँ तो हम फिर चैनल पे आए हैं प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए। दिनांक 19 जून दिन सोमवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी दे रहा हूँ। दिनांक 19 जून दिन सोमवार सन 2023 का जो हमारा प्रोग्राम है ये रायबरेली ज़िले में होगा। रायबरेली ज़िले के अंदर एक गांव है सरैला। दोस्तों सरैला गांव में हमारा प्रोग्राम होना है। गांव सरैला है, पोस्ट मीठापुर है, थाना लालगंज है, ब्लॉक लालगंज है, तहसील लालगंज है और ज़िला रायबरेली है।
मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर से याद कर लीजिए कि गांव सरेला है, पोस्ट मीठापुर है, थाना लालगंज है, ब्लॉक लालगंज है, तहसील लालगंज है, जिला रायबरेली है। हमारे घर मालिक आदरणीय हरिशंकर यादव जी हैं, जिनके यहाँ हमारी पार्टी मतलब भटनोसा कंपनी जनाब मोहम्मद इदरीस भाई की पार्टी का प्रोग्राम 19 जून दिन सोमवार सन 2023 को होगा। तो दोस्तों, जैसे आपको प्रोग्राम देखने के लिए जाना है तो आप लालगंज बैसवारा से दो सड़का जाइए, और दो सड़का के जब आगे बढ़ेंगे तो मीठा गांव मिलेगा, और मीठा गांव जब आप पहुंचेंगे तो मीठा गांव के पास में ही शरेला गांव है, जहां पर हमारा प्रोग्राम होगा। तो आइए, हम घर मालिक का नंबर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर कहीं रास्ता भूल रहे हैं, भटक रहे हैं, तो इसी नंबर पर कॉल करके रास्ते की जानकारी ले सकते हैं और हमारे प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं। तो नंबर है दोस्तों 96 48 94 16 90, मतलब 9 6 4 8 9 4 1 6 9 0। तो ये नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। आपको ज़रा सा कहीं दिक्कत हो रही है तो इसी नंबर पर कॉल करके रास्ते की जानकारी ले सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए सरेला गांव तक पहुंच सकते हैं। तो आइए, हम एक दूसरा नंबर दे रहे हैं, हो सकता है ये नंबर उस समय रिसीव ना हो तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हम आपको दूसरा नंबर दे रहे हैं। दूसरा नंबर है 96 70 64 12 51, मतलब 9 6 7 0 6 4 1 2 5 1, ये नंबर है। इस नंबर को भी आप नोट कर लीजिए, दोनों नंबरों को नोट कर लीजिए, नोट करके अपने पास रख लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 19 जून दिन सोमवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप हमारे सेकंड चैनल मुमताज अली भटनोसा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। धन्यवाद।